नेटो जो भी कदम उठाए उससे पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुतिन ने तो ठान ही लिया है कि जब तक ज़ेलेंस्की घुटने नहीं टेक देंगे युद्ध तो जारी रहेगा। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट ने नेटो के इरादे पर सवाल उठा दिए हैं। खबर यह है कि नेटो अब चाहता है कि किसी तरह ज़ेलेंस्की युद्ध हार जाए। ये बात कितनी सच है इसे लेकर ज़ेलेंस्की को भी 100% शक। जब तक युद्ध ठीक चल रहा था ज़ेलेंस्की खुश थे, रोज सेल्फी वाला वीडियो बनाते थे, लेकिन जैसे ही उनके दावों का भांडा फूटा ज़ेलेंस्की ने लगा दिया ऐसा इल्जाम जिससे अमेरिका बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, जिससे ब्रिटेन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसे जर्मनी को लगेगा कि उसे ठग लिया गया है, फ्रांस को एहसास हो जाएगा कि ज़ेलेंस्की ने तो उन्हें फंसा कर रख दिया है, और इटली तो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने ऐसी बात कह दी है कि पूरे नेटो में समझ आ गई है कि उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, यानी बहुत बड़ी गलती हो गई है। यूक्रेन में चल रहे बहुत ही भीषण युद्ध को लेकर अमेरिका की मीडिया में बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है। अमेरिका की मीडिया ने ज़ेलेंस्की के दावों की ऐसी पोल खोल कर रख दी है कि पिछले 24 घंटे से ज़ेलेंस्की की नींद उड़ गई है, और आरोप तो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ज़ेलेंस्की को मदद के नाम पर अरबों के टूटे हथियार दे दिए गए हैं, ऐसे हथियार जो चलते ही नहीं, ऐसे हथियार जो कबाड़ बन चुके थे। और तफसील में कहा जाए तो यूक्रेन को ऐसी तोपें दे दी गई हैं जो चलती ही नहीं हैं। यूक्रेन की ऐसी बख्तरबंद गाड़ी दे दी गई जिनका इंजन ही खराब है। यूक्रेन को ऐसे हथियारों का वादा किया गया या फिर ऐसे हथियारों को लेकर डील पक्की कर ली गई जो उसे कभी सप्लाई ही नहीं किए गए, या अब भी कागजी काम काज में उनकी डिलीवरी फंसी हुई है। ज़ेलेंस्की का मूड खराब करने वाली सबसे बड़ी बात समझिए, यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई किए गए हैं उसमें 30% हथियारों की हमेशा मरम्मत होती रहती है, और ये युद्ध के दौरान तो बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि यूक्रेन की फौज लड़ कम रही है, हथियारों की मरम्मत ज्यादा करा रही है। 2022 तक यूक्रेन को करीब 7000 करोड़ के ऐसे हथियार दिए गए जिनमें कमियां थी। ये बात यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के हवाले से कही गई है। वही हजारों करोड़ के ऐसे हथियार हैं जो अभी तक सप्लाई ही नहीं किए गए हैं। यूक्रेन की फौज को अगर ठगा गया है तो इसकी सबसे अहम और बड़ी शिकायत इटली से आए एक बहुत ही खास हथियार को लेकर है। इटली से मिली एक तोप इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में बहुत बदनाम हो चुकी है। इटली ने जो तोप अमेरिका से खरीदी थी उनमें बहुत बड़ी शिकायत आ गई, और फिर इससे युद्ध लड़ना नामुमकिन हो गया। इटली ने यूक्रेन को 33M109 तोप दी थी। ये ऐसी तोप है जो कुछ साल पहले इटली ने ही अपनी सेना से हटा दी थी, यानी इटली की सेना का जो कबाड़ था वो ज़ेलेंस्की को तोहफा बनाकर दे दिया गया। अब इनमें से 13 तोपों को मरम्मत करने के लिए यूक्रेन ने करीब 16 करोड़ रुपए चुकाए, लेकिन अब भी ये पूरी तरह काम करने लायक नहीं है। इनसे गोला दागना अब भी यूक्रेन के लिए मुश्किल हो रहा है। इन हथियारों से काउंटर अटैक लॉन्च करने से पहले ही फेल हो जाएगा। क्योंकि युद्ध में ऐसे हथियारों को ले जाने का मतलब है 100% पराजय। ये बात ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। वहीं इटली का बहाना है कि ज़ेलेंस्की ने बहुत ज्यादा डिमांड की, इसलिए ये तोप यूक्रेन को थमा दी गई, और ऐसा पूरी मरम्मत करने के बाद किया गया। ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा धोखा, और तोप बनी जो बहुत ही मशहूर तोप है, और ये भी मेड इन अमेरिका है।
यह है M777 तोप जो 2022 में ही यूक्रेन पहुंची, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें से 6 की हालत ऐसी है कि उन्हें मरम्मत की जरूरत है। ऐसे में इन तोपों को फिर से पोलैंड वापस भेज दिया गया, जहां इसे अमेरिका की सेना के हवाले कर दिया गया। अब सवाल है कि ज़ेलेंस्की को इसके बारे में कैसे पता चला और क्या उन्होंने बाइडेन को इसके बारे में बताया कि नहीं? क्या उन्होंने नेटो और यूरोप के देशों के सामने ये मुद्दा उठाया? ये यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़े सवाल है। ज़ेलेंस्की से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, उनको बड़े बड़े हथियारों के साथ बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, और इन सबके बीच ज़ेलेंस्की अति आत्मविश्वास में कई बातें भूल जाते हैं, ऐसे उनके आलोचक मानते हैं। आप यूक्रेन के ही बड़े लीडर्स की शिकायतें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री वोलोदिमिर हाउरिलो ने माना है कि ऐसे कई मामले हैं जब पैसे चुकाने के बाद यूक्रेन को हथियार नहीं मिले, और एक तरह से यूक्रेन से वादा खिलाफी ही नहीं, बहुत बड़ा धोखा हो गया। पिछले एक साल से ज़ेलेंस्की को लेकर बड़े बड़े जलसे यूरोप में हो रहे हैं, जहां यूक्रेन की मदद के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत तो बहुत चुभने वाली है। अब तक बहुत से ऐसे हथियार भी यूक्रेन को मिले हैं जो गोदाम से निकाले ही नहीं जा सके, क्योंकि वो या तो चलाने लायक नहीं है या फिर उनको लेकर ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें ये हथियार युद्ध लड़ने से ज्यादा युद्ध हारने की गारंटी बन जाते हैं। इसका खामियाजा ज़ेलेंस्की को अपने कई मोर्चों पर भी उठाना पड़ा। क्या इसे युद्ध के दौरान हथियार घोटाला कहा जाए? क्या इसे ज़ेलेंस्की के खिलाफ नेटो की साजिश कही जाए? जो भी है, अब इन शिकायतों के बाद अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है। पेंटागन में एक जांच अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया गया है और वो यूक्रेन को सौंपे गए हथियारों पर रिपोर्ट बना रहा है। यूक्रेन युद्ध में इस वक्त नेटो और ज़ेलेंस्की के बीच भरोसा ऑल टाइम लो है। ज़ेलेंस्की के दावों के बीच नेटो के हथियारों की पोल खुलना इससे पूरे युद्ध में यूक्रेन के लिए बहुत बड़े संकट के समान है। जाहिर है कि पुतिन इन बातों को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध की हकीकत क्या है, और अब इस बात को पश्चिमी देशों का मीडिया भी दुनिया के सामने लाने लगा है। इसी साल यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अफसर जो हथियारों की खरीद देखते हैं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की कंपनी हथियारों को लेकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, जबकि अमेरिका की हथियार कंपनियों का दावा अलग है। यूक्रेन को जो भी हथियार दिए गए हैं, जो भी इस युद्ध में पुतिन की फोर्स पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस पर अमेरिका की हथियार कंपनी अलग राय रखती है। अल्ट्रा डिफेंस कॉरपोरेशन के सीईओ मैथ्यू हैरिंग के मुताबिक यूक्रेन को जो भी हथियार दिया गया वो चालू हालत में दिया गया, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ही उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ये दावे ऐसे वक्त किए जा रहे हैं जब अमेरिका और यूरोप से एक बार फिर नया हथियार पैकेज देने की बात कही जा रही है। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को अब तक $40 अरब का पैकेज देने का ऐलान किया है, और वक्त वक्त पर अमेरिका इस पैकेज के हिस्सों को यूक्रेन के लिए जारी भी करता है। सवाल है कि क्या अब ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस की तरफ से होने वाले ऐसे ऐलान पर यकीन कर पाएंगे? एक बड़ी शिकायत अमेरिका से मिली हमवी गाड़ियों को लेकर भी है। अमेरिका ने कुवैत से अपनी 29 हमवी गाड़ियां पोलैंड भेजी, जहां से ये यूक्रेन को भेजी जानी थी, लेकिन अभी ये गाड़ियां पोलैंड पहुंची तो पता चला है कि इनमें 29 हमवी ही चलाने लायक हैं और सब में तकनीकी दिक्कतें हैं। इंजन को मरम्मत चाहिए, और 25 हमवी तो ऐसी निकली जिनके टायर सड़ चुके हैं, उनमें सीट बेल्ट तक नहीं है। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन को ऐसे हथियार थमाए जा रहे हैं जो ज़ेलेंस्की की हार की स्क्रिप्ट लिखने में बड़ी मदद करने वाले हैं। घटिया हथियार, टूटे फूटे हथियार, कबाड़ में बेचे जाने लायक हथियार, ये अब ज़ेलेंस्की को भेजे जा रहे हैं, बड़ी मदद का हिस्सा साबित हुए हैं। अगर ज़ेलेंस्की ये युद्ध हारते हैं, जिसकी पूरी आशंका उनके दोस्तों को भी है, तो इसकी बड़ी वजह पुतिन के गुस्से के साथ साथ नेटो और अमेरिका से हुई अनचाही साजिश भी होगी, जिसका बहुत बड़ा शिकार
ज़ेलेंस्की बन जाएंगे, क्योंकि युद्ध तो हथियारों से ही लड़ा जाता है और अगर हथियार ही कबाड़ निकले तो मौत की गारंटी तो पक्की ही कही जाएगी।